मोदी सरकार, योगी सरकार किसानों का आंदोलन का गला घोटने में लगे हुए, आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं। भाई साहब बीजेपी के बंदे को भेजो, अभी भेजेंगे ये किसानों को, तो ये आतंकवादी बता रहे हैं। तानाशाही चल रही है बीजेपी सरकार की, बिल्कुल लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने रात में अपने हमारे विधायक साथियों ने आके यहाँ पर पानी का इंतजाम यहाँ पर कराया है। पुलिस ने हंगामा वाले तो आराम से आने दिए, 200-300 आदमी से पुलिस को सपोर्ट कर रही है ना। देख रहे हैं मोहम्मद रवाज ऑफिशियल। दोस्तों आपको पता ही है कि दिल्ली को छावनी बना दिया गया था और चारों तरफ से दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए गए थे और पुलिस बल काफ़ी तैनात था और सारे रास्ते गाजीपुर बॉर्डर आने की तरफ के जो थे वो बंद कर दिए गए थे। उसके बाद काफ़ी बड़ा हंगामा हुआ, यहाँ तक कि राकेश टिकैत कल रो दिए थे और वो जो वीडियो वायरल हुई थी राकेश टिकैत की, तो पूरी रात ट्रेंडिंग में चला और पूरा देश सुन नहीं पाया था और सबकी सब सनसनी यही बनी हुई थी कि कल क्या होगा, क्या कल ये आंदोलन चलता रहेगा या आंदोलन खत्म होगा। लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत की वीडियो वायरल हुई उसके बाद लगातार किसान और ज़्यादा गुस्से में आ गए और भारी तादाद में गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकल चुके थे और काफ़ी हद तक यहाँ पर पहुँच भी चुके थे। लेकिन इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस ने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। पुलिस ने ना तो मीडिया कर्मियों के लिए एंट्री खोली है, ना ही आम जनता के लिए और ना ही किसानों के लिए। पुलिस का कहना है कि यहाँ उन्हें ऑर्डर मिले हैं ऊपर से बड़े ऑफिसर्स के, जिन्होंने ये कहा है कि किसी को भी अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। अब क्योंकि सिंघू बॉर्डर पे जो हालात चल रहे हैं वहाँ बताया जा रहा है, सिंघू बॉर्डर की खबर हम आपको बता दें कि जो वहाँ के आम रेजिडेंट लोग थे उनकी और जो आंदोलनकारी थे उनमें बीच में झड़प हो गई, उसको देखते हुए पुलिस का कहना है कि यहाँ पर बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक आए थे, उनके साथ उनके समर्थक थे, उसके बाद उनका हंगामा यहाँ पर शुरू हो गया। मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारे रास्ते बंद किए हुए हैं पुलिस ने और कहीं से भी किसी की भी एंट्री नहीं है, मीडिया कर्मियों के लिए भी एंट्री नहीं है और किसी के लिए भी एंट्री नहीं है। पुलिस का कहना है कि ये सारी चीज़ें इसलिए की है सुरक्षा के लिए के लिहाज से की गई है, क्योंकि जो 26 जनवरी के बाद हुआ उसकी सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस कोई भी कहीं पर भी चूक नहीं करना चाहती है और जो सिंघू बॉर्डर पर चल रहा है उसके मद्देनजर ये किया गया है। लेकिन लोगों में और ज़्यादा गुस्सा है, लोग अंदर जाने की मांग कर रहे हैं और अड़े हुए हैं और यहीं पर धरना देना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं हम यहीं बैठे रहेंगे, सड़क पर बैठ जाएंगे, जो हिस्सा दिल्ली के अंदर आता है वहाँ पर। और ऐसे में केजरीवाल सरकार ने भी इस बात को कहा है कि बिजली पाली जो बंद कर दी गई है वो केजरीवाल सरकार देगी किसानों को, और केजरीवाल सरकार शुरू से ही इस बिल के खिलाफ थी लेकिन अब उनके नेता खुल के समर्थन में आ चुके हैं। सुबह यहाँ पर जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो भी आए थे और उनके बाद उनके विधायक भी आ रहे हैं, क्योंकि ये सिलसिला तब से बढ़ गया जब लोनी के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर वो रात को यहाँ पर आए थे और उन्होंने नारेबाजी की थी। उन्होंने नारे लगाए थे कि हम देश के गुद्दा, जो पहले सीए के टाइम पे नारे लगे थे वही नारे लगाए गए थे और आंदोलन ख़त्म करने की वो मांग कर रहे थे। उसके बाद से यहाँ पर और ज़्यादा हंगामा बढ़ गया, क्योंकि अब किसानों का राकेश टिकैत ने भी इस बात को कहा है कि नंदकिशोर गुर्जर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आके इस आंदोलन को भड़काया है, लोगों को भड़काने की कोशिश करी है। राकेश टिकैत और किसानों की मांग है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ अब किसान और बड़े आंदोलन करने की तैयारी में है। तो हम लोगों से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लोग इस पर क्या कह रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है, क्योंकि रास्ते बंद कर दिए हैं तो किस तरह से वो लोग अंदर जाएंगे। कल यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी के विधायक आए थे उन्होंने भी नारे लगाए थे, माहौल उसके बाद खराब हो गया। देखिए ये सारी सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार किसानों का आंदोलन का गला घोटने में लगे हुए, आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं, अपने गुर्गों को भेज के, अपने ही एजेंट को भेज के वो झंडे का अपमान करवाते हैं और किसानों के विरुद्ध यहाँ पर माहौल बनाने का काम करते हैं। वो बीजेपी के कह रहा हूँ, बीजेपी के लोगों भेज के, वही मैं बता रहा हूँ। तो वो आज वो घबराए हुए, जो जन समर्थन किसानों को मिल रहा था उससे मोदी सरकार घबराई हुई है, आज वो नाटक कर रहे हैं। यहाँ पर किसानों को पानी तक रोक दिए गए, उनके टॉयलेट हटाए दिए गए, सारी लाइट तक काट दी गई, किसानों को पीने का पानी तक नहीं था। माननीय अरविंद, बिल्कुल लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने रात में ही अपने हमारे विधायक साथियों ने आके यहाँ पर पानी का इंतजाम यहाँ पर कराया है। हम भी सुख दुख के पूछने आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, हम रोजाना आके यहाँ पर सुख दुख पूछने आ रहे हैं। आज हमें पुलिस यहाँ पे जाने नहीं दे रही, क्यों नहीं जाने दे रहे? स्थानीय
हम विधायक हैं, यहाँ के चुने हुए विधायक नुमाइंदे हैं जनता के, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या लग रहा है सर कि अगर आपको नहीं जाने दिया जा रहा है, इनसे कोई लड़ाई है क्या? तो भाई साहब लड़ाई नहीं, तुम जानते हैं हमारे सीनियर ऑफिसर ने कहा, भाई साहब सीनियर ऑफिसर आपका बुलाया ना, सीनियर ऑफिसर फोन नहीं उठा रहे, अरे भाई साहब बुलाया, विधायक जी का फोन नहीं उठा रहे, आपकी बात नहीं सुन रहे, गलत चीज है, वेट तो करो भाई साहब, जेब में रखा कर भैया, ये जानना चाहिए आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है क्या, या ये पूरे षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार जो दो चार पूंजीपतियों के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं, वो ये तीनों काले कानून के लेकर आए, ये बड़े बड़े पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए लेकर आए हैं, ये इसीलिए क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए लेके ये लक्ष्य लड़ते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों से, अंबानी अडानी से, आज अंबानी अडानी ने मोदी सरकार के कान ऐंठ रखे, इसलिए वो किसानों की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। सर अब एक सर आखिरी सवाल पूछूंगा कि आम आदमी पार्टी से पहले बयान दे रही थी लेकिन अब खुल के समर्थन में आ गई, तो आंदोलन और बड़ा होगा? नहीं बिल्कुल, पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा है, आम आदमी पार्टी किसानों के साथ में पहले दिन से डे वन से खड़ी हुई है, हम जाके सेवादार के तौर पर विधायक के तौर पर नहीं आ रहे, यहाँ पे सेवादार के तौर पर आकर अपने अन्नदाता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। चलिए सर, तो आप देख सकते हैं किसानों का आंदोलन है, किसान परेशान है, वहाँ से रास्ता रोक रखा है सामने से, इतनी दूर से चल गए हैं भट्टा पारसोल से 65 किलोमीटर दूर से रास्ता रोक रखा है वहाँ भी, और यहाँ भी अंदर नहीं जाया जा रहा है, ये वो तरीका नहीं है, बीजेपी का आदमी जाएगा तो वो उसके लिए रास्ता है और किसान के लिए रास्ता नहीं है, 65 किलोमीटर दूर से किसान चल के आ रहा है, पहले कह रहे जी हमारे अधिकारियों ने हमें आदेश दिया कि मीडिया वालों को भी अंदर मत जान दो, यानी कि बिल्कुल कि हमारे किसानों के साथ आप जान दो, क्या किसानों के साथ में जो वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं, आजकल देखा था मैंने राकेश टिकैत जी, मैं उनसे हर दूसरे दिन आकर यहाँ पर मिल रहा हूँ, कल उनकी हालत कितनी वो कितने भावुक हो गए थे, वो रो पड़े थे अपनी व्यथा बताते हुए, किस प्रकार से मोदी सरकार इस आंदोलन को कुचलना चाह रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र में हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि अगर हम किसी भी कानून से या सरकार के निर्णय से हम खुश नहीं है तो हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, ये अधिकार हमारा संविधान हमें देता है, और ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बनाया संविधान है, ये किसी अंबानी अडानी का उसका बनाया हुआ संविधान। भाई साहब बीजेपी के बंदे को भेजो, अभी भेजेंगे, ये किसानों को तो ये आतंकवादी बता रहे, तानाशाही चल रही है बीजेपी सरकार की, तानाशाही चल रही है, अभी आए भी थे बीजेपी के लोनी के विधायक जो थे, इसलिए आए थे ना गुंडागर्दी करने के लिए, इनके साथ मिलके गुंडागर्दी करने के लिए आए हैं, हम सपोर्ट में आए हैं, अब तक एक दिन भी हम रोड पे नहीं उतरे थे सर, ना ट्रैक्टर मार्च में आए, टिकैत साहब के साथ करा है ना कल चौधरी साहब के साथ, इसके बाद हम घरों से निकले, अब तक हम आए नहीं थे, आंदोलन में शामिल हुए और वहाँ महापंचायत सारी व्यवस्था लाइट बंद कर दी, मानना चाहते क्या किसानों को यहाँ पे जी, हेडक्वार्टर का पता करो कितना कैसा था उसका, कैसा है आय संपत्ति का, जो टिकैत पे केस लगा रहे हैं पहले हम पूरी देखो उनपे कहाँ से फंड कहाँ से पैसा आया था, देश के तो खा रहे हैं, सिंगू बॉर्डर पे हंगामा चल रहा है, पुलिस ने जो हंगामा वाले थे आराम से आने दिए, 200-300 आदमी थे, पुलिस को सपोर्ट कर रही है ना, पुलिस का तो काम होता है जो भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर, लेकिन पुलिस यहाँ पर भी इसीलिए रोक रही है, हमें भी रोका जा रहा है सुरक्षा के लिए, तो भाई साहब किसान किसान नहीं होगा तो क्या खाएगा, देश का ये हाल हो गया, जो घर पे रोटी बनाते हैं ना खाते हैं आज वो सड़कों पे हैं किसान की सपोर्ट के लिए, और इनके बच्चे घर पे हैं, जी क्या कहना चाह रहे हैं, जिस देश के नारा जय जवान जय किसान, आज उन्हीं हमारे किसान भाई हैं रोड़ों पर भूखे प्यासे पड़े हैं, और हम जो जनता है उनका समर्थन करना चाहिए, बट ये जो बीजेपी पार्टी है वो समर्थन नहीं करने दे रही हमें, एसएचओ साहब आ गए, एसएचओ साहब आ गए, उनसे बात करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे,